वक्त हो चला है जम्मू कश्मीर के न्यूज़ बुलेटिन का। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। वाइल्ड लाइफ विभाग की ओर से गंभीर रूप से घायल तेंदुए को पकड़कर जम्मू कश्मीर रवाना किया गया है। तेंदुआ गंभीर हालत में नगर के लड्डन पावर हाउस के क्षेत्र के पास स्थानीय लोगों को दिखा था। सूचना पर पहुंचे वाइल्ड लाइफ विभाग ने तेंदुओं का रेस्क्यू किया। कर्मचारियों ने तेंदुओं को अपने कंधों पर उठाकर सड़क तक ले गए और उसके बाद उसे जम्मू भेज दिया गया। जम्मू के प्रसिद्ध बाबे वाली मंदिर मार्ग की खस्ता हालात पर स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त किया है। आला अधिकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी जहां से गुजरते हैं और माता काली के दर्शन करते हैं, लेकिन किसी के सर पर जूं नहीं रेंगती ताकि वो जहां से निकलते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन जब जहां पर गंदा पानी आता है तो बहुत बुरी हाल होती है। पूरी खड्ड के बनी बारिशों की पानी पूरा लोग घर बड़ी जिंदा इतने भी लोग रवार दे लोग रवा दे इतना तो ये लुक पानी चाहिए जितने चार चार बारी पहले लुक पई दी उत्थे लुक दोबारा पवा दी अज भी उत्थे सफाई चला दी और जिंदर दे जरा कोला जरा बिचे रोड आता उत्थे भी लुक पवा दी लेकिन ये कारपोरेटर को बड़े बारी ये महल आए गए तो उन्हें मतलब कोई दिख लिख नहीं की। अभी परसों भी एक लड़की इधर से गिरी उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई। इधर खड्डे इतने इतने बड़े बड़े हैं, इधर खड्डे कोई भरने भी नहीं आता ना लुक डरती है। और बड़े बड़े मिनिस्टर लोग इधर माता रानी के दर्शन करने वास्ते आते क्या उन्हें नहीं लगता है कि रोड की क्या हालत है। हर वर्ष नवरात्रि के अवसर पर सड़कों पर तारकोल का छिड़काव किया जाता था लेकिन इस बार ऐसा ना होने से गड्ढे हुए पड़े हैं जिसकी वजह से स्थानीय प्रशासन के प्रति लोगों में रोष देखा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन से जल्द ही मरम्मत कराने की गुहार लगाई गई है। सिदरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गत रात मिनरल वाटर से भरे ट्रक का संतुलन अचानक बिगड़ गया। ट्रक ने 5 गाड़ियों को टक्कर मारी लेकिन किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। हाल ही में नीट परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था जिसमें जम्मू कश्मीर के पलौरा की रहने वाली आयुषी भट्ट ने 678 अंक प्राप्त किए हैं। इसी वजह से आयुषी अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है। मेरे जो भी मेरा रिजल्ट आया है वो मेरी फैमिली एंड टीचर्स के सपोर्ट की वजह से है। खासकर के लॉकडाउन में जो टीचर्स ने मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट किया और मेरी हेल्प की। वहीं जम्मू की रहने वाली शिवानी शर्मा ने 659 अंक प्राप्त किए हैं और अपने परिजनों को इसका श्रेय दिया है। पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव थे, वो हमेशा मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देते थे और कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करनी आगे। शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में बाहू फोर्ट में माँ काली के मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में कल रात भी माँ बाबे वाली मंदिर के दरबार में आरती पूजन की गई है जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पिछले कई दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा था जिसमें दाखिले की सीट को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। उनके उग्र विरोध को देखते हुए विद्यालय प्रशासन ने उनकी मांगों को मान लिया है। 3 दिवसीय उपवास के समापन के दिन जे अशरफ सदस्यों ने 1966 के उन शहीद छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने जम्मू के विभिन्न कारणों से अपने प्राणों की आहुति दे दी है। JJSF के राज्य उपाध्यक्ष अतुल सूदन और अंशु शर्मा के नेतृत्व में जम्मू संयुक्त छात्र महासंघ के स्वयंसेवकों ने शहीद छात्रों की आत्मिक शांति के लिए हवन कर हलवा प्रसाद का वितरण किया। की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक बड़ी एजिटेशन की जा रही थी जिसमें पुलिस फायरिंग में इन छात्रों ने शहादत दी जिनकी याद में हम हर वर्ष यहां पे उपवास पे बैठते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 22 जिलों के 5000 छात्रों ने BSF और CISF के पद के लिए भर्ती रैली में प्रतिभाग किया। दूसरे दौर के टेस्ट के लिए कुल 9 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। छात्र परीक्षा के बाद बेहद खुश और ऊर्जावान दिखे। एडवाइजर बशीर खान ने पहलगाम में गोल्फ टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की प्रशंसा की और खेल भावना का परिचय देने की बात कही। ये थी जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख खबरें। फटाफट अंदाज में आनी खबरों के लिए आप देखते रहिए www.bharatkhabar.com और इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लाइक फॉलो सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।